वेलकम स्वागत है आप सबका वेलकम टू अ बिलियन ड्रीम्स आज हम लोग बात करने वाले हैं तनवी और नितिन से स्वागत है आप दोनों का थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू फॉर सो मच तो ये दोनों दे मेक अ टीम कॉल लेवन पीस टाइम So uh, we founded this company last year. It's called 11 Media and Talent Agency. It's E double L because uh, I believe in the number 1111. I think that is my lucky number. So in the logo itself 1111 is hidden because L is not L looks like one, one. So ah. 11. So 11 11. So 1111 is the name but we pronounce it as 11 Media and Talent. So fantastic. So you both are a couple. एंड yeah. yeah? uh, आप कहाँ के हैं नितिन सर मैं दिल्ली से हूँ पैदाइश मेरी दिल्ली से है दिल्ली में पैदा हुआ दिल्ली में पढ़ाई हुई और दिल्ली में ही शादी दिल्ली में शादी होने के बाद हम लोग दिल्ली आए और बेसिकली ये दिल्ली से नहीं आए ये बॉम्बे से है हम लोग की लास्ट ईयर शादी हुई और ये शादी के बाद इनकी कंडीशन ये थी कि मैं दिल्ली में नहीं रहूंगी मेरे को बॉम्बे में रहना है तो हम लोग की जब शादी हुई तो हम लोग मैंने बोला भाई मैं तो दिल्ली दिल्ली तो जाना बहुत जरूरी है तो हम लोग दिल्ली गए दिल्ली में हम लोग सिक्स सेवन मंथ्स हम लोग वहाँ पे रहे उसके बाद हम लोग भागते हुए बॉम्बे आ गए भागते हुए आ गए मतलब तुम इनके पीछे भागे के लेके आई हूँ बॉम्बे सो लास्ट लास्ट मंथ हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए और सर uh, uh, बॉम्बे अलग अलगी अलगी बहुत अलग ही बात है तो आज हम लोग कुछ ऐसी ही बातें करेंगे अबाउट टू पीपल एक्चुअली आप और मैं दोनों दिल्ली के हैं अरे वाह सर लक्ष्मी नगर से <laughs> <laughs> और uh, हम दोनों दिल्ली के हैं और हम लोग uh, रह रहे हैं कई वर्षो से मैं कई वर्षों से रह, रह रहा हूं और आप अभी अभी आए हैं तो स्वागत है आपका थैंक यू और सो क्विक वन वॉट इज इट which is uh, very unique about mumbai, according to uh, it? we start with you. what do you think is very unique about mumbai? so when i compare to delhi, now i realize that, you know, uh, being born and brought up in mumbai, you cannot survive in any other city because of the climate, because of the people, because over here, uh, you know, uh, it's very different. and it's very, you know, comfortable over here. Yeah. and uh, now over the time i've realized i cannot live in delhi climate.

तो बेसिकली मतलब तनवी के डिस्क्रिप्शन से दिल्ली वाला लग रहा है तो अपन सो रहे हैं मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन बहुत छोटे कस्बों के बारे में दिया जाता है जो मुंबई की खासियत है कि हम लोगों ने कह दिया है आपने कह दिया दिल्ली वहाँ से

क्योंकि आप एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं और वुड यू लाइक टू टेल अस समथिंग अबाउट द वर्क दैट यू डू एंड पॉसिबली हम लोग तब डिस्कवर करेंगे कि क्या किसी काम के लिए मूवमेंट जरूरी है अगर जरूरी है तो किस तरह का मूवमेंट और अगर मूवमेंट करते हैं और नहीं करते उन दोनों में क्या फ़र्क है टेल अस समथिंग अबाउट योर कंपनी सर सबसे पहले मुंबई और दिल्ली का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि बॉम्बे वाई बॉम्बे इज गुड uh, बॉम्बे में इन टर्म्स ऑफ वर्क हम लोग दिल्ली में थे तो काम थोड़ा स्लो था yeah, uh, uh, तो बॉम्बे जब हम लोग आए तो बॉम्बे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बॉम्बे आती मेरे को एड मिला मेरे को की अपॉर्चुनिटीज मिली पे आके तो इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनल ग्रोथ मुझे बॉम्बे में मुझे आते ही बहुत कुछ मिल गया जो मुझे लगता था दिल्ली में नहीं मिल रहा था नितिन क्या क्या ऐसा सकते हैं कि मुंबई इज अ प्लेस विच इज वर्किंग फॉर यू है ना इज समथिंग वर्किंग ओवर द इयर्स जो मैंने देखा है एज अ एज अ पर्सन हु इज अ ट्रैवलिंग एक्टर क्योंकि मैं मैं भी दिल्ली से आया फिर मुंबई पहुंचा मुंबई से फिर अलग अलग शहर कस्बे में घूम घूम के मैं मैंने काम किया है आई रियली फील दैट बेसिकली वॉट वर्क फॉर अस हो सकता है कोई चीज आपको डिस्कम्फर्ट दे लेकिन उस डिस्कम्फर्ट के बावजूद

विच पॉसिबल इज ऑल्सो बिकॉज आपके साथ आपके पार्टनर हैं जो आपके पति हैं और जो दिल्ली के हैं वहाँ की क्रिएटिविटी लाते हैं तो वो क्या चीज़ है जो आप दोनों मिलकर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं जो यूनिक है विच would वॉन्ट टू टॉक अबाउट So, um, uh, so we divide our work in our company. I handle communications part and you know uh, sales, negotiations, pitching, and he is very creative in terms of writing, acting, and all such things. So, uh, me having corporate uh, uh, good uh, contacts in corporates good relations over there, and he having uh, good relations in the background, uh, Bollywood background. I think when we both uh, mix our work, uh, it creates magic. And uh, I feel uh, whatever we have grown, we still want to grow, and maybe this year in Mumbai we'll achieve double. ज सिट दैट इंटरेस्टिंग वर्क कि यू पीपल आर मिक्सिंग योर स्किल्स आप अपने अपने हुनर जो हैं वो मिक्स करते हैं टेल मी वॉट इज वॉट अबाउट समाउट इलेवन क्या करते हैं इलेवेन मीडिया में हमारा बहुत हम लोग का बहुत बेसिक जो जो सिंपल सा काम है उसके अंदर वो सिंपल काम ये है कि हम लोग जितने भी इंडिया के अंदर और जहाँ जहाँ पे टैलेंट है उस टैलेंट को हम लोग साथ जोड़ते हैं उस टैलेंट को हम इस तरीके से साथ जोड़ते हैं कि उसको भी बेनिफिट मिले और हम लोग को भी बेनिफिट मिले और जो थर्ड पार्टी जिसको उस टैलेंट की रिक्वायरमेंट है उसको भी उसके बजट के अंदर वो टैलेंट मिले तो इसका तो तो मतलब आप एक तरीके से जरिया हैं एक तरफ कुछ लोग जिनको टैलेंट चाहिए एक तरफ टैलेंट्स इट और अलग अलग किस्म के टैलेंट्स आप इसके जरिया हैं तो कोई भी कैसा है कि भाई ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां हैं। हाउ डू यू डेयर टू क्रिएट समथिंग एंड हाउ डू यू थिंक यू कैन क्रिएट योर ओन नीश So, when we founded this company, I never thought, uh, you know, because in this agency industry, there are, there are a lot of competitors. There is a lot of competition. Uh, if someone wants to do it, someone will think, you know, twice uh, before entering in this industry. But since I was working in this industry since last uh, few years, and I think I had that confident confidence to, uh, uh, you know, launch this company. So, we thought, uh, we didn't think uh, twice oh before. Man. No, no, we didn't think too much. So, then we have to say that even though there are constraints, लेकिन अगर आपको

और उस दौरान हम लोगों ने कुछ बात की थी आपके इस इलेवन के बारे में कुछ याद है आपको सर याद है आप, आपने हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी किस तरीके से आ, होना चाहिए क्या डायरेक्शन होना चाहिए और आई स्टिल यू 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 अबाउट द ऑफ ऑफ नो नो एंड हैविंग दिस कंपनी एंड हाउ एग्जैक्टली यू रन दिस कंपनी तुम्हें क्या करने की जरूरत है हम लोगों ने बहुत चीजों पर अमल करने की कोशिश करी सिंस uh, कंपनी uh, है एफर्ट्स आते हैं सारी चीजें एक साथ नहीं होती एंड इस कंपनी को स्टार्ट करने के बाद लेसन जो हम लोग को मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि कुछ भी चीज़ एक दिन में तो नहीं होती है आपको टाइम लगता है आज हम लोग दस चीज़ें कर रहे हैं बट हम लोग को पता है हम लोग और भी चीज़ें करेंगे बट चीज़ें धीरे धीरे फिल्टर भी होते जा रही है कि हम लोग को पता लगता है हमारी स्ट्रेंथ ये है इंटरेस्टिंग तो इनफैक्ट इनफैक्ट आप जो कर रहे हैं जो मैं एक मैं एक लाइन जिसको बहुत यूज़ करता हूं, वो अनिल कपूर साहब से मैंने आ, सुनी थी और सीखी है ड्यूरिंग सीजन वो बोलते थे करके कि आप कुछ करिएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या वो और जब आप कुछ करेंगे अगर आप फेल कर रहे हैं तो आज जब एक साल बाद हम लोग मिल रहे हैं मैं नोटिस कर रहा हूं कि आप लोग उस उस एक साल पहले के तनवी और नितिन और अब बहुत फर्क मुझे दिख रहा है क्योंकि आज एक लंबी फहरिस्त आपने बताई यू नो ऑल डूइंग कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ और भी बहुत इंटरेस्टिंग मेंशन की कि कुछ एक चीज़ें शायद आप नहीं करेंगे कुछ दिनों बाद है ना कि कुछ एक यू नो गॉन थ्रू यू और आपको लगता है कि नहीं वो नहीं चलेगा तो इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस तनवी क्योंकि आप सचमुच यूर रियली फील्ड विद ऑफ कन्विक्शन हाउ डू यू लेट गो ऑफ समथिंग जिसको तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं दिस नॉट वर्किंग आउट So, initially, when we know that this is not going to work out, we still do it because uh, we are very new in this industry. We still do it just for the sake of doing and building relations, just because we know that person. Uh, you know, uh, I think in this industry, lots of people focus on creating obligations. So, uh, and that is what we have learned. We don't do that, that is not our intention. What do you mean by that? So explain explain. फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड समथिंग विच वी चार मनी सम अमाउंट ऑफ एजेंसी फी बट यू स्टिल से आर फ्री में कर दो जस्ट बिकॉज वी है ये बादे 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 तो मैंने उनको आज बताया मैंने कहा कुछ एक लोग आपको कह रहे होंगे कि यार हमारे रिलेशन है आप जरा सस्ते में कर दीजिए हाँ क्योंकि आप हम सारा काम <laughs> आपको ही देते <laughs> हैं सर, सर।

What if something else clicks up? Got so it. that is why we do it. Okay, or if we are doing one event, what if we meet another client in that event? That would add in And as a Yeah. It. So, one of the interesting things that's happening in this conversation is that ye don't know, a nai agency ko And what they are sharing with us is that when you start off, there are people who are not ready to pay you money, and they're actually telling you that you know what, the experience that you will get will, will give you value. नाउ टेल मी इज इट्स कैरी टू वर्क इन न्यू सिटी फॉर यू सर मैं आपको दिल से बताऊं सच्चाई के साथ तो uh, थोड़ा बहुत तो थो है वो क्यों है बिकॉज बॉम्बे इज वेरी एक्सपेंसिव एंड यू नो कमर्शियल एंगल आपको परेशान करता ही करता है बट लकीली यू नो हम लोग अगेन ने बोला हम लोग से बहुत अच्छे काम आता है शायद, जो दूसरी जो दस चार्ज कर रही है सात रूपए मिले, मिले बट स्टिल मनी अगर उस हम लोग को शायद वो साथ साथ करके भी सर हम लोग काम ज्यादा करेंगे तो हम लोग के पास पैसा तो आएगा ही बट उससे इम्पोर्टेंट सर ये हम लोग को अपॉर्चुनिटीज का जो बॉक्स है ना वो इतनी तेजी से खुल रहा है हम लोग के लिए हम लोग

ऑफ़ टू पीपल हुआ वट पैशन एंड ड्रीम वो लोग कुछ खास क्रिएट करना चाहते हैं और वो इस शहर में आए हैं कुछ खास क्रिएट करने के लिए न सिर्फ एक जोन में तो विच आर द दे जोन दैट यूर वर्किंग इन दर मी क्या क्या चीज़ आप लोग करते हैं

सर मैं मैं आपको आपको एक बहुत मेरी बहुत मेरी फेवरेट है मैं आपको वो सुनाता हूं <coughs> मैं प्रेमी हूँ प्रेम जाल में खेलूं दुनिया से रंग मैं प्रेमी हूँ प्रेम जाल में खेलूं दुनिया से रंग आंख मूंद के दरिया लंग मैं पिया के संग पलके झपकू थाम के आंसू जलते मेरे नैन पलके झपकू थाम के आंसू जलते मेरे नैन दुखी दुख है बिन तेरे अब कहाँ से लाऊं चैन इतना पूछो इश्क से मेरे कैसा ये पुण्य पाप इतना पूछो इश्क से मेरे कैसा ये पुण्य पाप लगा के डुबके इश्क में मेरे कहाँ खो गए आप टूट गए सब पेड़ से पत्ते उस अनजानी रात कहाँ खो गई दुनिया अपनी एक दूजे के साथ और इश्क न पूछो इस शायर से यादें बहुत पुरानी हैं इश्क न पूछो इस शायर से यादें बहुत पुरानी हैं जिसम नहीं मंदिर था उसका इश्क बड़ा रूहानी है और आग लगी है दिल में ऐसी साधु बाटे ज्ञान आग लगी है दिल में ऐसी साधु बाटे ज्ञान राख हो गई बस्ती अपनी जब उसका नाम टूटी गड़ियाँ रूठे अक्षर छूटा यूँ संसार आँखों से समंदर से से इश्क इश्कंभार और मन का मंदिर अमृत धारा रोम रोम जो भंग मन का मंदिर अमृत धारा रोम रोम जो भंग कल डूबे जो आज डूब गए बिन पिया के संग बिन पिया के संग एक तरीके से इश्क है प्यार है मोहब्बत है पैशन है तो मैं आप दोनों को सिर्फ यही मैं कामना करूंगा कि आप लोग जिन सपनों को लेकर इस शहर आए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा शहर प्यारा है कोई पता नहीं आपको कौन से शहर में आप फाइनली पाए जाएं hmm. जैसे कि मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में पता नहीं हमारा अबुदाना कहाँ है पता नहीं हमारा आ, हमारा खाना कहाँ पर hmm. आ, से आने वाला है तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ड्रीम्स विद मी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज आपकी एजेंसी एकदम एक बच्ची सी एजेंसी है आज एक साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं चाहूंगा कि कुछ साल बाद भी मैं आपसे बात करूं और तब पता करेंगे कि ये जर्नी कैसी रही जाते जाते, जाते यू नो से समथिंग थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड यू नो फॉर दिस इंटरव्यू वी आई थिंक आई वुड लाइक टू से दैट इफ वी ग्रो वी हेल्प आर सोसाइटी टू ग्रो एंड इफ आर सोसाइटी ग्रोज वी ग्रो सो आई थिंक वी शुड ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सर मुझे लगता है कि एजेंसी आपने बोला एजेंसी एक साल बाद हम लोग मिल रहे हैं और आ... हम लोग आज से कुछ साल बाद दोबारा शायद बात करेंगे और जब बात करेंगे सर एक चीज़ जो मेरे दिल के अंदर है कि हम लोग तो ग्रो करना ही चाहते हैं बट हम लोग अपने साथ साथ कुछ ऐसे लोगों के साथ हम लोग ग्रो करना चाहते हैं जिनके साथ कल को हम लोग बहुत सारा पैसा बहुत सारी शोहरत बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन का मजा सर तब है जब साथ में लोग होते हैं और इस मैं अपनी बात इस बात पे खत्म करूंगा कि सर दिल्ली अभी भी बहुत अच्छी है सो दिल्ली और मुंबई की बात जारी रहेगी आज हम लोग मिले हैं पार्ट ऑफ़ द सीरीज़ जिसका नाम मैंने रखा है अ बिलियन ड्रीम्स अ बिलियन ड्रीम्स जहाँ पर मैं देश विदेश में घूमूंगा गली सड़कों पर गाँव में शहरों में लोगों से बातें करूँगा और कुछ ऐसे लोगों को के ड्रीम्स आपके सामने लाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सबके ड्रीम्स हैं हम सबके सपने हैं और जब हमें अपने सपनों को साकार करने में यकीन हो जाता है तब हम उसे साकार कर पाते हैं सो थैंक यू सो वेरी मच तनवी थैंक यू सो वेरी मच नितिन फॉर ज्वाइनिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को रिमेंबर इन लोगों का लिंक इज राइट देयर इन लव अल अल शुक्रन शुक्रन बंधु थैंक यू सो शुकर